हाँ दोस्तों, मेरा नाम डेविड है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप गूगल एनालिटिक में अपने ब्लॉगर या वेबसाइट का डाटा कैसे दे सकते हैं, रिपोर्टिंग को रिपोर्ट्स कैसे आप दे सकते हैं, उसकी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उस पर। तो उसके लिए सबसे पहले मैं गूगल पे ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स, और नीचे आपको गूगल की ये मिल जाएगी। तो मैं ऑलरेडी इसमें लॉग इन हूँ, तो ये मेरा ख्याल है लॉग इन नहीं हुआ अभी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये राइट साइड टॉप कॉर्नर पे आप देख सकते हैं असेस गूगल एनालिटिक्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो अब मैं ऑलरेडी लॉग इन हो जाऊँगा, क्योंकि मेरा ख्याल है मैं ऑलरेडी लॉग इन था। अभी देखें, जब आप लॉग इन हो जाएंगे, आप असेस पे क्लिक करने के बाद ऐसे आपको होम पेज नज़र आएगा। तो दोस्तों, आपको जैसे भी आप होम पेज नज़र आए, तो आप जिस वेबसाइट या ब्लॉगर की आप देखना चाहते हैं उसकी आप देख सकते हैं। तो मैंने ये मेरे पास ये मौजूद है, मैंने चार पांच मेरे अकाउंट बने हुए हैं। 100 अकाउंट आप एक गूगल एनालिटिक्स के साथ अटैच कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, एक अकाउंट के ऊपर रिपोर्टिंग दे सकते हो। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ब्लॉग का रिपोर्टिंग देखना चाहता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे एक ब्लॉग मौजूद है जिसका नाम है हॉट गॉसिप टाउन, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ये जो भी अकाउंट आप अपनाते हो, अगर आपका अकाउंट नहीं बनाना आता, तो दोस्तों आप यहाँ ऊपर एडमिन है, एडमिन के ऊपर आप क्लिक करें, और यहाँ पे आपने क्लिक करना, और यहाँ पे लिखा है न्यू, क्रिएट अ न्यू अकाउंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे आप आपने जो बायोडाटा दे के उसको क्रिएट कर लेना, और उसका ट्रैकिंग कोड आपने अपनी वर्डप्रेस की अगर वेबसाइट है, जो भी वेबसाइट है, आप उसके जाके उसके HTML कोड को एडिट करके, या ब्लॉगर का उसके HTML कोड में जाके आपने जो होम पेज है उसके वहाँ पे आपने, अगर होम पेज आप ट्रैक करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपने वो ट्रैकिंग कोड को पेस्ट कर देना है, तो सेव कर देना है। उसके बाद आप कर सकते हो ट्रैक, आपका पेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होना शुरू होगा, जब कोई आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा जहाँ से, पूरी दुनिया से, वो यहाँ पे आपको वो उसका बायोडाटा दिखाएगा। तो मोबाइल ऐप भी आप ट्रैक कर सकते हो, चाहे एंड्रॉयड हो या एप्पल की हो, आप विद इन एंड्रॉयड एंड एप्पल ऑपरेटिंग ना, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऐप ऐप्स का है, वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हो। जब मैं इसके ऊपर पत्थर ले जाता हूँ, ये भी आप ट्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों, होम पेज पे आता हूँ मैं, आपको बताऊँगा इसमें आप डाटा कैसे, आप जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आपके पास ऐसे आपको नज़र आएगा, आज सारे जितने भी होंगे आपको ऐसे नज़र आएंगे। तो इनमें से मैं किसी एक का डाटा ट्रैक करके, ट्रैकिंग डाटा दिखा शो करवाता हूँ आपको, कैसे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे, मेरे पास हॉट गॉसिप टाउन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके नीचे आप देख सकते हैं सब मेन्यू ओपन हो गया इसका, और यहाँ पे इसका ब्लॉगर है जो मैंने टाइटल दिया हुआ है उस ब्लॉग का, वो ये है हॉट गॉसिप टाउन 1.blogspot.com का, जो मेरी वेबसाइट है, ये इसका ट्रैकिंग कोड है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला आपने पेस्ट करना होता है। जब आप क्रिएट करोगे उसी वक्त आपको वो शो भी करवा देता है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ ऑल वेब साइट डाटा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके आगे बताया भी हुआ है आपको ये चीज़ें के वर्क कर रहा है। इसके ऊपर मैं कहता हूँ ऑल वेब डाटा, ऑल वेबसाइट डाटा, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं होम जो मैं रिपोर्टिंग आ जाती है उसकी, ओवरव्यू, ऑडियंस डे के हवाले से, आज के दिन है, सेशन 1104 है, 957 जो है, 53 यानी के 953 जो यूज़र आए हैं, पेज व्यू हुए हैं 2121, पेजेस 200, पेज पर सेशन 1.92, इसी तरह ये बाउंस रेट 78.44%, न्यू सेशन 85.96। और यहाँ पे आपको कंट्री के हवाले से भी बता देता है, डेमोग्राफ आपको बताता है, लैंग्वेजेस बताता है, कौन कौन सी लैंग्वेज से, कंट्री पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कंट्री पे के हवाले से बता देगा कि किन किन कंट्री से सेशन क्या क्या कहाँ कहाँ से ज़्यादा व्यू हुआ है, कितने परसेंट हुआ है। सिटी के हवाले से आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सिटी भी बताएगा, न्यूयॉर्क, गुजरांवाला, एटसेट्रा, मुंबई, रियाज, सऊदी अरेबिया का, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, लंदन। और इसी तरह ब्राउज़र का भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्राउज़र के हवाले पर किन किन ब्राउज़र से, या एंड्रॉयड ब्राउज़र से ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आया। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे दिखाएगा कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस से आया है। उसके बाद आता है सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से हैं, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्सेट्रा जो भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर आप जैसे एंड्रॉयड 63% यानी 63,
0.33%, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल के जो होता है उसका 30% आया। तो इसी तरह सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है मोबाइल में, ये चीज़ें आती हैं आपको, और स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या है, ये वाली रेजोल्यूशन से आपका वेबसाइट देखी गई है। ये था ओवरव्यू, आप देख सकते हैं ओवरव्यू में यहाँ पे लिखा है न्यू विजिटर, ये जो नीले रंग का कलर है, ये ब्लू कलर का है, ये न्यू विजिटर के लिए है कि आपके वेबसाइट पे न्यू विजिटर है, ब्लॉग पे या वेबसाइट पे न्यू विजिटर का ये शो करवा रहा है। इस ये ग्रीन कलर का ये शो करवा रहा है कि रिटर्निंग विजिटर, जो एक दफ़ा विजिट करता है दोबारा वापस आता है, और न्यू विजिटर जो ज़्यादा आया, ठीक है, ये उसका शो करवा था, ये इसका फलां तरीक को इतने आए, फलां तरीक को इतने आए, ये वाला सेशन ये पर डे के हिसाब से शो करवा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप रिपोर्टिंग ओपन हो जाती है, जब आप क्लिक करते हो तो उसके बाद आता है एक्टिव यूज़र, एक्टिव यूज़र पे आप क्लिक करें, उसके बाद तो आपको यहाँ पे एक्टिव यूज़र के हवाले से बता देगा, 1 डे एक्टिव यूज़र 9, तो 7 डे एक्टिव यूज़र इतने हैं, और 40 डे एक्टिव यूज़र इतने हैं, और 30 डे यूज़र इतने हैं। उसके बाद आता है ये कहो, ये नहीं को ऑप्शन है, ये बीटा में अभी, ये भी आपको शो करवा रहा है कोहॉर्ट एनालिटिक्स, ये तो इस तरह का आपको शो करवा रहा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। डेमोग्राफ आपको यहाँ पे शो करवा देगा, डेमोग्राफ आप जानते हैं डेमोग्राफ क्या चीज़ होती है, ये आप परसेंटेज एज के हवाले से कितने एज के लोग आए हैं, कितने परसेंट आए हैं, एज कितनी थी, यहाँ पे आपको दिखा रहा है, और ये जेंडर है। इसी तरह दोस्तों आप चेक कर सकते हैं इंटरेस्ट कितना है, ओवर यहाँ पर आपको इंफिनिटी कितनी है यहाँ पे, और इन मार्केट सिंबल सेगमा सेगमेंट्स आपको यहाँ पे शो करवा रहा है, अदर कैटेगरीज ये शो करवा रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है जियो लैंग्वेज, वही जो होम पेज पे आपको शो करवा रहा था कि लैंग्वेज क्या है इसकी, कौन कौन सी लैंग्वेज में से फ्रेंच एक्सेट्रा जो भी है, लोकेशन क्या है, लोकेशन आप चेक कर सकते हैं किस किस मुल्क से ये व्यू हुआ है, नीचे मुल्क आपको वो कंट्री शो करवाता है, और इसको मैं करता हूँ। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या, ब्राउज़र ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क, इसी तरह मोबाइल का भी आप चेक कर सकते हो डिवाइसेस कौन सी थी, यहाँ पे आपको आप पूरा बायोडाटा अपनी जो एनालिटिक्स है या नोकिया या कहाँ कहाँ से ये आपका ब्लॉगर या वेबसाइट ऑफ व्यू हुई है वो शो करवाता है। उसके बाद बेंच मार्किंग क्या, चैनल कौन सा है यहाँ पर आपको वो शो करवाता है, ये इसके बारे में बता देता है कि आपको चैनल कहाँ से कौन कौन से है, डायरेक्ट रेफरल ऑर्गेनिक सोशल मीडिया के थ्रू आया है या डिस्प्ले या ईमेल के थ्रू चेक कर रहा है या पेड सर्चेज हो रही है, ये तमाम की तमाम यहाँ पे आपको वो शो करवाएगा, ठीक है, कितने परसेंट हो रहा है। उसके बाद लोकेशन क्या है इसकी, बेंच मार्क में ये सब मेन्यू है, ये इसका गेंद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाले। तो उसके बाद दोस्तों एक्विजिशन आता है, यहाँ पे इसका भी ओवरव्यू आप दे सकते हो, एक्विजिशन में आप यहाँ पे दे सकते हो डायरेक्ट रेफरल कितना आ रहा है, जितनी भी चीज़ें हैं बायोडाटा जितना भी है आप इसको यहाँ से गेट कर सकते हो, व्यू कर सकते हो आप अपनी मर्जी। उसके बाद बिहेवियर क्या है, बिहेवियर भी आप चेक कर सकते हो, हाँ जी, यहाँ पेजेस व्यू इतने हुए हैं और यूनिक विजिटर इतने आए हैं, और एवरेज टाइम ऑन पेजेस 2.18 और 70, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह आप तमाम की तमाम चीज़ें एडसन अगर आपने अटैच किया है इसके साथ तो उसको भी एनालाइट कर सकते हैं, एनालिटिक्स में ऐड कर सकते हैं, उसके भी व्यू कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर बताता हूँ लेफ्ट साइड बार पे जहाँ पर लिखा रियल टाइम, इसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो ओवरव्यू करोगे जो जो आपकी वेबसाइट पे मौजूदा एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो यहाँ पे शो करवाएगा, उसका ग्राफ यहाँ पे पर सेकंड के हिसाब से चलता होगा कि आपकी वेबसाइट पे कहाँ क्या हो रहा है एट अ टाइम, यानी कि लाइव टाइम लाइव शो हो रहा होता है कि आपकी वेबसाइट पे एक्टिविटीज़ क्या क्या हो रही है वो यहाँ पर शो हो रही होती है, लोकेशन कहाँ से हो रही है, कौन कौन सी लोकेशन से हो रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर वो चलता है ग्राफ इसका, ट्रैफिक सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से आ रही है ट्रैफिक आपकी ब्लॉग पे या वेबसाइट के ऊपर, कंटेंट क्या है, इवेंट क्या है, इसी तरह आप कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आता है इंटेलिजेंट इवेंट, इसको भी आप देख सकते हो, डेली इवेंट अगर हुआ है तो वो भी आपको यहाँ पे शो करवा रहा है, यूज़र
पेज व्यूज ऑल ट्रैफिक वेनसडे फलां फलां दिन फलां फलां ये चीज़ें अगर मज़ीद देखने से यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे या डिटेल्स पे तो आपको ये मज़ीद दिखा देगा, उसका बायोग्राफ ये डेमोग्राफ दिखाएगा ये क्या क्या चीज़ें, ठीक है। इसको मैं ख़त्म करता हूँ। इसी तरह दोस्तों आप अपनी रिपोर्टिंग चेक कर सकते हो, ट्रैकिंग डाटा दे वॉच कर सकते हो, देख सकते हो कि वो क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं आपके। तो उसके बाद शॉर्टकट्स हैं, ये ओवरव्यू यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, इसको रहने डैशबोर्ड ये है, प्राइवेट न्यू जो भी एक्सेट्रा है। आपको ऑडियंस जब आप रिपोर्टिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी ओवरव्यू, ठीक है। ओवरव्यू में आपको तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पे शो करवा देता है कि कौन कौन से विजिटर आ रहे हैं आपके ब्लॉग पे, आपकी वेबसाइट पे, और तमाम डाटा दिखा रहा है। उसके बाद आप बारी बारी लेफ्ट साइड में ये सारा का सारा चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें चेक रहे हैं, जियो यानी ज़मीन के यानी कौन कौन से इलाके से आपके चेक कर रहा है, लोकेशन लैंग्वेज कौन सी है उसकी, ये तमाम की तमाम चीज़ें आप वन बाई वन करके आप देख सकते हो। कोई मसला परेशानी हो तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करें और मेरी आने वाली वीडियो के बारे में बाखबर रहें, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। एक दफ़ा आपको फिर बता दूँ, होम पे आपने क्लिक करना है, जिस वेबसाइट या ब्लॉग का आपने चेक करना है जो आपने अकाउंट बना चुके हैं उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और उसके ऑल वेबसाइट डाटा पे ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग पे ले आया, और यहाँ पे आप उसका डाटा सारा देख सकते हैं। जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे वो उसका बायो डाटा आपको दिखा देगा, अदरवाइज लेफ्ट साइड बार से आप यहाँ से डाटा अपना चेक कर सकते हैं वन बाई वन करके। मसला परेशानी हो तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया दोस्तों।